इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजनांदगांव से नामी नक्सली दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इन पर 13 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। गेल सिंह और पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि राजनांदगांव से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नक्सली दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि दोनों ने पुलिस के समक्ष सरेंडर किया था और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इनामी दंपत्ति नक्सली ने पुलिस के समक्ष सरेंडर किया है। आपको बता दें कि गेंद सिंह 8 लाख रुपए का इनामी नक्सल था और मुख्यधारा में लौटने के लिए सरेंडर किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, नक्सली दंपत्ति ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है, क्या आपको ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? जी, दोनों नक्सलियों से बहुत ज्यादा पीड़ित थे, इसलिए मुख्य धारा में जोड़ना चाहते थे। कई सालों से ये कोशिश कर रहे थे कि हम यहाँ से निकलकर मुख्य धारा में जुड़े जी। ये लोग 13 लाख रुपए के आसपास के इनामी नक्सली थे, जिन्होंने आज राजनांदगांव में एसपी साहब के पास आत्मसमर्पण किया। मनोज, इनको पकड़ने के लिए पहले भी काफी प्रयास किए गए हैं, अब उन्हीं ने सरेंडर सब कर दिया है, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया है और क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी, इनको पकड़ने के लिए काफी प्रयास किया जा रहा था पुलिस की तरफ से, लेकिन उन्होंने स्वयं ही आत्मसमर्पण कर दिया, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और आगे इनके जरिए और भी नक्सलियों के समीप पहुंचने के लिए इनसे बातचीत की जा रही है। जी, मनोज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि इनसे और भी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके चलते पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। स्वराज शतक में फिलहाल इतना ही। स्वराज एक्सप्रेस